हेलो हाय एंड नमस्कार सभी को। दोस्तों आज हम बात करेंगे गूगल ड्राइव के बारे में, क्योंकि गूगल ड्राइव एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके बारे में कुछ लोग जो हैं जानते हैं लेकिन इसकी पूरी सेटिंग्स के बारे में नहीं जानते हैं, और इसका आपको क्या फ़ायदा है पूरा यहाँ पे मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। और आप सोच रहे होंगे कि गूगल ड्राइव के बारे में मुझे पता है, लेकिन आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ इसकी सेटिंग्स, इसकी हिडन फीचर ऐसे हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं। अगर आप जो इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये वीडियो हमें ज़रूर देखनी चाहिए थी। और इस वीडियो में पूरा मैं एक्सप्लेन करूँगा A to Z गूगल ड्राइव के बारे में, और आप इसका क्या फ़ायदा उठा सकते हैं गूगल ड्राइव से, और आपके लिए कितना यूज़फुल है ये, और आज हम जो पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज मैं आपको पूरा यहाँ पे डिटेल में बताऊँगा गूगल ड्राइव के बारे में। तो मेरे पास जो ये डिवाइस है ये J7 Next, और ये एक एंड्रॉयड डिवाइस है, और आपके पास कोई सा भी एंड्रॉयड डिवाइस होगा उसमें एक इस तरह का ऑप्शन होगा, एप्लीकेशन होगी ड्राइव। दोस्तों इस तरह की ड्राइव अगर नहीं है तो आप प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपके फ़ोन में अवेलेबल रहती है। और मैं इसका पूरा फ़ायदा लेता हूँ इस गूगल ड्राइव का, और आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं मैं पूरा यहाँ पे डिटेल में बताऊँगा। तो आपने जब इसे खोलेंगे तो आपको नीचे एक प्लस का आइकन दिखाई देगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस का आइकन, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे फोल्डर, अपलोड, स्कैन, गूगल डेक्स, गूगल शीट्स और गूगल स्लाइड्स। तो आपको मैं सबसे पहले जो है न्यू फोल्डर के बारे में बताऊंगा। न्यू फोल्डर में आप जो है कोई सा भी फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो अपने मैं चैनल का नेम से एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फोल्डर जो है क्रिएट कर दिया। तो ये फोल्डर जो है क्रिएट हो चुका है, तो जैसे तो यहाँ पे शो हो गया है RK न्यूज़ टैग, ये फोल्डर जो है क्रिएट हो चुका है। तो मैं इसको जो है फोल्डर को यहाँ से ओपन करूँगा, तो ओपन करने के बाद नीचे प्लस का आइकन आएगा, फिर मैं यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर दोबारा से क्लिक करूँगा। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद जो है मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा फोल्डर का, तो मैंने फोल्डर ऑलरेडी बना रखा है, तो अपलोड का मिलेगा, फिर उसके बाद स्कैन का। तो मैं अपलोड पे जो है क्लिक करूँगा और एक फ़ोटो अपलोड करूँगा, तो आप देखते रहिए। तो जैसे ही मैंने अपलोड पे क्लिक किया, अपलोड पे क्लिक करने के बाद जो है मैं अपनी मेरी गैलरी जो है ओपन हो जाएगी, फ़ोटोज़ की, वीडियोज़ की, कुछ भी जो आपके फ़ोन में आइटम्स हैं उनको कैसे अपलोड करेंगे, और आप देखते रहिए। तो मान लो कि मैंने यहाँ से जो है एक पिक सेलेक्ट की, तो मैं यहाँ से कोई पिक यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप जी है आप जो है अपनी कोई भी फेवरेट पिक जो होगी आपकी उसे सेलेक्ट कर लेंगे। और इसका ये फ़ायदा होगा कि अगर आप अपने फ़ोन को जो है फॉर्मेट भी कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, तो आपका ये जो फ़ोटो है ये बिल्कुल यहाँ पे सेव रहेगी और ये कभी डिलीट नहीं होगी। जैसे ही आप इंटरनेट यूज़ करेंगे तो इसे दोबारा से ओपन करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये फ़ोटो जो है अपलोड हो चुकी है। अपलोड होने का यहाँ पर नीचे 3 डॉट का ऑप्शन आता है, 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो है आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। जैसे कि ये 3 डॉट है, यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ से जैसे ही क्लिक किया, फिर आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, लिंक शेयरिंग, कॉपी लिंक, अवेलेबल ऑफलाइन, ओपन विद, सेंड ए कॉपी, डाउनलोड, मूव, स्टार, मतलब आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको इन ऑप्शन के बारे में नहीं पता है तो आप लोग देख सकते हो। जैसे कि ये लिंक शेयरिंग, जब मैं लिंक शेयरिंग को मैं यहाँ से ऑन कर दूँगा तो मैं इस फ़ोटो का जो मैंने अपलोड किया है इसका लिंक भी किसी को भी शेयर कर सकता हूँ, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, कहीं भी, और वो जो है वो इस फ़ोटो को डाउनलोड करके देख सकता है। तो ये तभी शेयर होगा जब लिंक शेयरिंग वाले ऑप्शन को आप ऑन करेंगे, तभी ये कॉपी को लिंक करके जो आप किसी को भेज सकते हैं, और आप चाहे अगर बाद में इस लिंक शेयरिंग के ऑप्शन को आप बंद भी कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलता है अवेलेबल ऑफलाइन। दोस्तों अगर आपके फ़ोन में नेट नहीं है या आप कहीं गए हैं वहाँ पर नेट नहीं चल रहा है, तो आप जो है अवेलेबल ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी फ़ोटो को ऑफलाइन भी देख सकते हैं। फिर यहाँ पे ओपन विद का ऑप्शन आता है कि ये ओपन कहाँ से करनी है, सेंड ए कॉपी, किसी को सेंड भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, और स्टार वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो है इसे स्टार वाले फोल्डर पे सेव भी कर सकते हैं। दोस्तों ये काफ़ी अल्टीमेट ऑप्शन है, और इसके बाद मैं आपको एक और अल्टीमेट चीज़ बताऊँगा इसके गूगल ड्राइव की, उसके लिए वीडियो देखते रहिए। तो ये फ़ोटो जो है सेव हो चुकी है, अपलोड हो चुकी है। फिर आपको मैं सेकंड वाला ऑप्शन स्कैन, तो स्कैन का क्या फ़ायदा है, जैसे कि आपके पास कोई किताब है या कोई भी आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप स्कैन करेंगे। जैसे ही मैं इनको स्कैन करूँगा देख सकते हो यहाँ पे ये मान लो कि ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैं किसी को भेजना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं इसे स्कैन कर लूँगा। स्कैन करने के बाद जो है ये PDF में कन्वर्ट हो जाएगी। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बात है
जैसे ही मैं इसका स्कैन करूँगा, कोई भी चीज़ होगी, कोई भी आइटम होगी, जैसे उसको मैं स्कैन करूँगा तो ये पीडीएफ में बदल जाएगी और ये यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। सो आप देख सकते हो, तो यहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। तो ये आपके मोबाइल के इंटरनेट से ही अपलोड हुई है, वाईफाई से अपलोड नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन भी मिलता है कि आप जो है वाईफाई से ही अपलोड करें और अपने फ़ोन के नेटवर्क से ही से यूज़ ना करें। तो जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन आता है लिंक शेयरिंग, मैंने इसकी सभी आपको बता दी यहाँ पे। फिर आप जो इस पीडीएफ का लिंक किसी को शेयर भी कर सकते हैं और आराम से आप उसे सेंड भी कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग बताऊँगा गूगल ड्राइव की, उसके लिए वीडियो देखते रहिए। तो आपने जो है थ्री डॉट पर क्लिक करना है ऊपर, फिर नीचे को स्लाइड करके आपने सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन है ऑटो ऐड। हाँ दोस्तों, ऑटो ऐड जब आप यहाँ से ऑन कर देंगे तो आपकी फ़ोन की सभी फ़ोटोज़ जो हैं वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएंगी गूगल ड्राइव में। लेकिन आप इसे ऑफ ही रखना, क्योंकि ये जब आप इसे ऑन करेंगे तो ये आपके फ़ोन का डाटा यूज़ करेगी और आपकी MB ख़त्म हो जाएगी। और नीचे जो है डाटा यूजेज, अगर आप जो है ट्रांसफ़र फाइल ओनली ओवर वाईफाई, अगर इसे जो है आप यहाँ से ऑन कर देंगे तो ये जब आप वाईफाई के एरिया के अंदर आएंगे तभी आपकी फ़ाइल जो है ये अपलोड होगी। लेकिन अगर आप इसे बंद रखेंगे तो आपके फ़ोन का इंटरनेट यूज़ करके ये अपलोड कर देगा फाइल्स को। तो ये इससे जो है आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा कि जब आप अपने फ़ोन को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो अपने डाटा को जो आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं उनको गूगल ड्राइव में हमेशा के लिए रख सकते हैं। और ये गूगल ड्राइव जो है आपके ईमेल आईडी पे ही चलता है। और जैसे ये दोबारा से आप अपनी फ़ोन नया फ़ोन लेंगे तो उसमें जो है से ओपन करेंगे, रजिस्टर करेंगे तो आपकी फ़ाइल जो है वापस आ जाएगी और आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।